तो यूक्रेन में अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? पूरी रणनीति वॉशिंगटन में तैयार हो चुकी है। पेंटागन रूस के एक एक हथियार का तोड़ निकालने के लिए दिन रात मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है। तो दूसरी तरफ पुतिन के कैंप में अमेरिका के दो नए हथियारों ने टेंशन पैदा कर दी है। ये दोनों हथियार एक से बढ़कर एक है। अगर इस महीने के आखिरी तक ये हथियार ज़ेलेंस्की को मिल गए तो ये मानकर चलिए कि पुतिन की एक भी मिसाइल राजधानी कीव की जमीन नहीं छू पाएगी। अमेरिका के ये दो सुपर वेपन कौन से हैं? स्पेशल रिपोर्ट में आपके। ज़ेलेंस्की की नजरें इस वक्त यूक्रेन के एक बेहद खास इलाके पर हैं। ये एक ऐसा इलाका है जिस पर कब्जा होने के बाद पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर ही बगावत हो सकती है। ये रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन का एक ऐसा प्रांत है जो अगर ज़ेलेंस्की के हाथ लग गया तो क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल जाएगा और काला सागर में भी रूस की ताकत को धक्का लगेगा। खेरसॉन जीत की जो स्क्रिप्ट खारकीव में ज़ेलेंस्की ने लिखी है, अब ठीक वैसी स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की खेरसॉन में भी लिखने जा रहे हैं। जिस दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की ने खारकीव का किला जीता था, अब बिल्कुल उसी दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की खेरसॉन जीतने का प्लान बना रहे हैं। पुतिन के कैंप में बहुत टेंशन है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अमेरिका का बनाया हुआ एक ऐसा दिव्यास्त्र ज़ेलेंस्की को एक बार फिर मिल रहा है जिसका कोई तोड़ अब तक पुतिन के पास नहीं है। ये दिव्यास्त्र है सुपर वेपन हार्प। आखिर क्यों ये हाम मिसाइल रूस का काल बन गई है, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो जो रिलीज किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने। ये वीडियो यूक्रेन के उन लड़ाकों के सम्मान में जारी किया गया है जिन्होंने यूक्रेन की एक एक इंच धरती की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है।